गांधी कोई महात्मा नहीं है, मैं उन्हें महात्मा नहीं मानता, वो एक शातिर राजनेता हैं। ये बात बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी के बारे में कही थी। क्यों कही थी? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर गांधी को बहुत अच्छे से जान चुके थे, वो पहचान चुके थे कि कैसे गांधी वर्ण व्यवस्था के कट्टर समर्थक हैं और वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, जातियों को बनाए रखने के लिए किस तरह से उन्होंने बहुत ही शातिर तरीके से बहुजनों की हकमारी की। इस वजह से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उन्हें कहते थे कि वो कोई महात्मा नहीं है। आज ही का वो दिन है 24 सितंबर 1932 जिसको पूना पैक्ट के तौर पर याद किया जाता है। आज का दिन पूना पैक्ट के तौर पर याद करते हैं और आज ही के दिन गांधी के कोशिशों साजिशों की वजह से बहुजन समाज का ऐसा नुकसान हुआ जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई है। पूना पैक्ट उसका एक जिंदा उदाहरण है, सबूत है, उसकी कब्र है उस बात की कि कैसे बहुजनों की हकमारी हुई थी। क्या है पूना पैक्ट, सबसे पहले ये समझिए और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से गांधी और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बीच में वो टकराव था अपने बहुजन समाज की हकमारी के खिलाफ। बाबा साहब कैसे लामबंद थे और किस तरह से गांधी जो हैं वो वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। तो सबसे पहले आप पूना पैक्ट समझिए। दरअसल पूना पैक्ट में हुआ क्या था कि उससे पहले आपको याद होगा कि गोलमेज सम्मेलन हुए थे, पहला गोलमेज सम्मेलन और दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर यहां से गए थे और पहली बार लंदन में अंग्रेजों के सामने उनकी राउंड टेबल पर बैठकर बहुजनों की डिप्रेस क्लासेस की प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई व्यक्ति वहां गया था और अछूतों को उस समय, क्योंकि अछूती के अनटचेबल्स के तौर पर पहचान थी, तो उनकी नुमाइंदगी पहली बार हुई थी और वहां पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेज़ों को बताया, उस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमसे मैकडोनल्ड उनको और उनकी बाकी टीम को बताया कि किस तरह से भारत में जातियों के आधार पर समाज बटा हुआ है और जो सबसे निचला तबका है उसको ये लोग अछूत कहते हैं, उसको छूते भी नहीं है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है और उसकी किस तरह से यहाँ पर शोषण होता है, हकमारी होती है और कितने जुल्म जातियों से उसे गुजरना पड़ता है। ये सब बातें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पहले गोलमेज सम्मेलन में और फिर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए बाबा साहब ने वहाँ पर बताई। उसके खिलाफ जो है कांग्रेस ने, गांधी ने तमाम तरीके के प्रचार किए कि किस तरह से जो अंबेडकर हैं वो वहाँ पर जाकर बदनाम कर रहे हैं देश को और एक तरीके का देशद्रोही का काम कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेज़ों को ये समझाने में कामयाब हुए कि यहाँ पर अछूतों को आप जिस तरह से मुसलमान और सिख और बाकी अल्पसंख्यक समुदाय को अलग से गिनते हैं, उस तरह से हिंदुओं से आप अलग अछूतों को गिनिए, क्योंकि हिंदू धर्म में अछूतों को कोई अधिकार नहीं है, उनके साथ कोई भी समानता का व्यवहार नहीं होता है, बहुत गैर बराबरी होती है, इसलिए आप उन्हें अलग से गिनिए। और इस बात को जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनल्ड मान गए, उनकी टीम मान गई, तो फिर 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई, जिसे आप कम्युनल अवार्ड जानते हैं, जिसमें यह कहा गया कि सिखों की तरह और मुसलमानों की तरह अलग से अछूत समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय की तरह माना जाएगा, यानी उन्हें हिंदू धर्म का अंग नहीं माना जाएगा और उनसे अलग एक समुदाय के तौर पर, माइनॉरिटी ग्रुप के तौर पर उन्हें ट्रीट किया जाएगा और उन्हें कुछ खास तरीके के अधिकार दिए जाएंगे। कम्युनल अवार्ड में ये व्यवस्था की थी ब्रिटिश सरकार ने उस समय भारत में संवैधानिक सुधार के तौर पर कि जो अछूत समुदाय होगा उसको अब पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिलेगा, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट एरिया उनका होगा जिसमें वो अपने समुदाय के लोगों को चुनेंगे, यानी एक तरीके से जो अछूत समुदाय थे उन्हें दो अधिकार मिले, पहला अधिकार सेपरेट इलेक्टोरेट का और दूसरा अधिकार दो मत देने का, दो वोट देने का। इसको मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूँ कि ये है क्या। दरअसल ये था कि जैसे जो विधानसभा क्षेत्र आज के दिन आप देखते हैं या फिर लोकसभा क्षेत्र आप देखते हैं, तो कम्युनल अवार्ड में ये व्यवस्था की गई कि जो अछूत समुदाय हैं उनकी विधानसभा क्षेत्रों में, उनके लोकसभा क्षेत्रों में, उस एरिया में ये व्यवस्था होगी कि जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय का व्यक्ति होगा वही उम्मीदवार हो सकता है, बाकी कोई उम्मीदवार नहीं होगा, और उस उम्मीदवार को वोट देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का होगा, जिन्हें आमतौर पर अछूत अनटचेबल्स उस समय कहा जाता था, डिप्रेस क्लासेस कहा जाता था। तो यानी हमारा ही आदमी चुनाव लड़ेगा और हम ही उसको वोट करेंगे और हम उसको चुनेंगे और फिर वो आदमी हमारे लिए काम करेगा। ये एक
तरीके की व्यवस्था का बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेज़ों के सामने मांग रखी थी, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया गया था। और उसके बाद ये अधिकार ये भी था कि जब ये हम अपने एरिया के लिए चुनेंगे खास व्यक्ति को, लेकिन उस एरिया में जो दूसरा जनरल कैटेगरी से या सामान्य सीट पर जो व्यक्ति होगा उसे भी हम वोट देंगे, हम उसको भी अपना वोट दे के चुनने का काम करेंगे। यानी एक हम अपना व्यक्ति चुनेंगे और एक सामान्य व्यक्ति चुनेंगे जो पूरे उसके लिए काम करेगा। लेकिन इसमें खास बात ये थी कि जिस व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के लोग चुनते उन्हीं का वो व्यक्ति होना था, वो किसी दूसरी जाति का या व्यक्ति नहीं हो सकता था। तो इससे ये माना गया कि वो चूँकि हमारा व्यक्ति है, हम ही उसको वोट दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए काम करेगा और हमारे लिए वो डेडिकेटेड होगा, वो चमचागिरी नहीं करेगा और किसी राजनीतिक पार्टी का चमचा बनकर नहीं रह जाएगा। ये बहुत ही बड़ी बात थी और अछूतों को अल्पसंख्यक समुदाय की तरह अलग से ट्रीट किया गया, ये बात हमें कम्युनल अवार्ड में ब्रिटिश सरकार की तरफ से हमें दी गई थी। बहुत बड़ी घटना थी ये भारत के संदर्भ में, भारत के इतिहास में। लेकिन इसके खिलाफ जो गांधी हैं उन्होंने वहाँ पे सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भी वहाँ पर उन्होंने इसकी मुखालफत की कि नहीं, आप इनको अलग से ट्रीट नहीं कर सकते। और फिर भारत में आए वो, उन्होंने यहाँ पर भी दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन जब ये अवार्ड की घोषणा हो गई तो फिर उनको ब्रिटिश सरकार के साथ उन्होंने कई पत्र लिखे, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई और ये कहा गया कि आपकी बात जायज़ नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर जो लॉजिक दे रहे हैं, जो उनकी बातें हैं, जो उनके तथ्य हैं, उनमें दम है और इस लिहाज से इनको अलग से ट्रीटमेंट मिलेगा। इसके खिलाफ जो गांधी हैं वो 20 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में जो हैं वो अनशन पर बैठ गए, आमरण अनशन पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि यदि अछूतों को हिंदू धर्म से अलग काउंट किया जाएगा और उनको सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार दिया जाएगा तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ये गांधी ने उस समय किया था 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में। और मज़ेदार बात आप देखिए, गांधी ने अंग्रेज़ों को भगाने के लिए कि अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएं, उसके लिए कभी आमरण अनशन नहीं किया। इतिहास की किताबें खंगालिए, गूगल कीजिए, गांधी ने अलग अलग मौक़ों पर अनशन किए लेकिन कभी इस बात को लेके अनशन नहीं किया कि अंग्रेज़ यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे मैं फास्ट अनटू डेथ यानी आमरण अनशन पर बैठ जाऊँगा और जब वो जाएंगे तभी मैं अनशन तोड़ूंगा, ऐसा गांधी ने कभी नहीं किया। लेकिन बहुजन समाज के जो उनको हक मिले थे, जो अधिकार मिले थे, जिससे उनका भविष्य सुनहरा हो सकता था, जिससे उनका भविष्य शानदार हो सकता था, उसके खिलाफ जो गांधी हैं वो धरने पर बैठ गए, आमरण अनशन पर बैठ गए यरवदा जेल में। और उसके बाद जो हुआ वो फिर हम इतिहास की किताबों में खंगाल सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत मशक्क़त की थी, बहुत मेहनत की थी ये कम्युनल अवार्ड हासिल करने में। जब गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए तो उस समय पूरे देश में खलबली मच गई, क्योंकि गांधी जो हैं वो उस समय देश में एक बड़े नेता के तौर पर स्वीकार कर लिए गए थे, आज़ादी के नायक के तौर पर उन्हें प्रचारित किया गया था कांग्रेस से और कांग्रेस की मीडिया की तरफ से। तो जब वो आमरण अनशन पर बैठे, उनकी जान पर बनाई, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ माहौल बनाने की साजिशें होने लगी, तरह तरह के अखबारों में लेख लिखे गए, गोष्ठियां हुई, धरने प्रदर्शन हुए, रैलियां निकाली गई और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर दबाव डाला गया कि यदि गांधी को कुछ हो गया, आपने मांग नहीं मानी और गांधी अगर उनकी मौत हो जाती है तो हम आपके साथ ऐसा सलूक करेंगे जो आपने सोचा नहीं होगा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को खुलेआम धमकियां दी गई और उन्हें ये तक कहा गया कि यदि गांधी के साथ कुछ होता है तो फिर आपका जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज पिछड़ा वर्ग है, जो जिसको डिप्रेस्ड क्लास बाबा साहब संबोधित करते थे, उसको हम आग लगा देंगे, दंगे कर देंगे और उनकी बहुत दुर्गति करेंगे। इस तरह की धमकियां खुलेआम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को दी गई और साथ ही जो कांग्रेस के दूसरे नेता थे उन्होंने बाबा साहब से मिलकर भी उन पर दबाव डाला। आपको याद होगा एक तस्वीर काफ़ी आजकल चलती है, कस्तूरबा गांधी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सामने ऐसे झोली फैलाकर खड़ी हो गई थी। कस्तूरबा गांधी ने हाथ जोड़कर झोली फैलाकर बाबा साहब से भीख मांगी कि मुझे मेरे सुहाग की भीख दे दीजिए, मेरा सुहाग बना रहे वरना मैं विधवा हो जाऊंगी, अगर गांधी मर गए तो आप मुझे मेरे सुहाग की भीख दे दीजिए। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया गया, इतनी ज़्यादा उन पर दबाव डाला गया, धमकियाँ दी गई और बाबा साहब इस बात को जानते थे कि यदि गांधी को कुछ हुआ तो फिर इस देश में जो सवर्ण जातिवादी लोग हैं वो फिर बहुजन समाज के साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे, बहुत सारी हिंसा हो सकती है, बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। इसलिए बाबा साहब मजबूरी में एकदम मजबूर रोते हुए 24 सितंबर 1932 को
आप बाबा साहब जो हैं वो यरवदा जेल गए और गांधी के सामने उन्होंने बैठ के कहा कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं मेरे समाज के लोगों के लिए, मैंने इतनी मेहनत की है लेकिन आप नहीं मान रहे हैं। और गांधी ने ये बात कही कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा कि जो अछूत हैं उनको हिंदू धर्म से अलग काउंट किया जाए और उनको सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार मिले। मजबूरी में बाबा साहब ने रोते हुए, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, उन्होंने पूना पैक पर साइन किए और तब ये गांधी ने अमरण अनशन छोड़ा। यानी एक तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने गांधी को जीवन दान दिया। हम बाबा साहब को इस तौर पर भी याद कर सकते हैं कि उन्होंने, बाबा साहब ने गांधी को जीवन दान दिया, वो उनके जीवन रक्षक बने और उन्हें ज़िंदा रहने का जो है अधिकार बाबा साहब ने एक तरीके से पूना पैक पर साइन करके दे दिया। लेकिन इसके एवज में बाबा साहब ने कहा कि मैं आपकी बात मान रहा हूँ लेकिन मेरे समाज के लोगों को आप जो है रिजर्वेशन दीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब आपके हाथ में सत्ता होगी, आपके लोगों के हाथ में सत्ता होगी, तो हमारी वही गुलामी का दौर शुरू हो जाएगा जो पहले से चलता हुआ आ रहा था, लेकिन आप हमें कोई अधिकार नहीं देंगे। पूना पैक्ट में इसके एवज में बाबा साहब ने संवैधानिक आरक्षण की बात की और गांधी ने उसमें फिर मजबूर होके और दबाव बाबा साहब की तरफ से भी बनाया गया कि वरना मैं साइन नहीं करूंगा, तो फिर रिजर्वेशन के प्रावधान की बात हुई और ये कहा गया कि हम विधायिका में, शिक्षा में जो है रिजर्वेशन जो है बहुजन समाज के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लोगों को मिलेगा। तो ये बात की रिजर्वेशन जो है वो अचानक से कहीं से आ गया वो नहीं था, इतनी बड़ी कीमत बहुजन समाज ने चुकाई थी रिजर्वेशन के बदले में पूना पैक्ट के जरिए। तो रिजर्वेशन इस तरीके से बाबा साहब ने हमें संवैधानिक गारंटी के तौर पे दिया और जब बाद में उन्होंने संविधान लिखा तो उसमें इसका प्रावधान भी किया, क्योंकि उन्होंने इसी आधार पर पूना पैक्ट पर साइन किए थे। तो ये एक बहुत ही बड़ी घटना के तौर पर हम इसको याद करते हैं पूना पैक्ट पर। और बाबा साहब बार बार कहते हैं कि वो गांधी को महात्मा नहीं मानते, क्योंकि गांधी को आप जब ये कहते हैं कि वो अहिंसक थे, वो अहिंसावादी थे, वो हिंसा नहीं करते थे, तो अब आप सोचिए कि जो उन्होंने काम किया हमारे बहुजन समाज की भावनाओं को कितनी ज़्यादा ठेस पहुंची, बाबा साहब कितनी पीड़ा में रहे होंगे, उनका मन कितना दुखी होगा। तो क्या हिंसा सिर्फ शारीरिक हमला ही है? क्या हिंसा मानसिक हमला नहीं है? मानसिक पीड़ा देना किसी को हिंसा नहीं है? आज आप देखिए मेंटल हैरेसमेंट, मेंटल टॉर्चर, ऐसे शब्द जो हैं इस्तेमाल होते हैं और उसको एक तरीके का अपराध माना जाता है। आप लोग किसी के साथ ऐसा करते हैं तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है कि इसने मुझे मेंटली हैरेस किया, मेंटल टॉर्चर किया, आज अपराध है, एक तरीके की हिंसा उसको दुनिया भर में माना जाता है कि वो मेंटल वायलेंस है, आप जो है उसको साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल के उसके साथ वायलेंस ही कर रहे हैं। उसी तरीके से गांधी ने वहाँ पर भी हिंसा का इस्तेमाल किया, मेंटल टॉर्चर बाबा साहब को किया, साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट किया, भावनाओं को आहत किया, तो इसको हिंसा ही माना जाना चाहिए। तो गांधी को अहिंसा का पुजारी बताने वाले लोगों को ये बात बतानी चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने बाबा साहब पर दबाव डालने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया था, उसका रूप था आमरण अनशन। तो ये गांधी के विचार थे और उन्होंने, गांधी ने इस बात पर वो अपनी जान की बाजी लगा दी कि मैं इनको अलग नहीं कर सकता। दरअसल गांधी चाहते थे कि जो वर्ण व्यवस्था है वो उसी तरह से बनी रहे, यानी जो चतुर्वर्ण है जिसमें सबके काम धर्म के आधार पर बांटे गए हैं। तो गांधी ने इस बात की जो है उन्होंने सिफारिश की और उन्होंने जो उनकी किताब है आप पढ़ेंगे सत्य के साथ मेरे अनुभव, या फिर स्वराज जो उनकी किताब है और जो ग्राम स्वराज का उनका सपना था, राम राज्य का सपना जो गांधी का था, उसमें क्या सपना था आप किताबें पढ़े तो समझ में आएगा कि वो कहते हैं कि जो जातियां हैं वो बनी रहें, जो चतुर्वर्ण में जिसके काम जो दिए गए हैं वो अपना काम करता रहे और उसी से समाज जो है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसको दिशा देने के लिए, समाज को चलाने के लिए सबके काम बटे हुए होने चाहिए और जिसको जो काम दिया गया है वही होना चाहिए। ये गांधी की मानना था। वो कहते थे कि जातियों में जो भेदभाव है वो खत्म हो जाइए, आप उनके साथ ऊंच नीच ना करें, उनके साथ टॉर्चर ना करें, इसलिए वो बार बार हरिजन बस्तियों में जो शब्द वो लेके आए थे कि हरिजन है, वहां जाकर उनको जाकर वहां पे वो दिखावा करते थे। और बाबा साहब कहते थे कि भाई ये लोग जातिवादी नहीं है, आपके लोग जातिवादी हैं, अपने घर जाइए, उनको लोगों को समझाइए कि आपको किस तरह से समानता की पाठ सीखने की जरूरत है। गांधी ऐसा चाहते थे। बाबा साहब कहते थे कि मैं जातियों के खात्मे की बात करता हूँ, मैं जातियों के उन्मूलन की बात करता हूँ, हम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात करते हैं, हम जातियों को बनाए रखने की बात नहीं करते। और बाबा साहब बार बार ये कहते थे कि भाई आप कैसे समाज को चार वर्णों में बांट सकते हैं कि ये पढ़ेगा, ये लड़ेगा और ये व्यापार करेगा और ये सेवा करेगा। सेवा का जो पूरा का पूरा दायित्व है वो शूद्र समाज पर क्यों हो, बाकी के लोग ऐसा काम क्यों ना करें? और किस तरह से आप जन्म के आधार पर तय कर लेंगे, क्योंकि किसी व्यक्ति में अगर दो से ज़्यादा गुण हुए
तो वो लड़ भी सकता है, पढ़ भी सकता है, तो आप तो उसे पढ़ने नहीं देंगे, आप बोलेंगे नहीं तुम लड़ाई करो। तो ये कैसे तय होगा? क्या उसके लिए ऑल इंडिया लेवल पर कोई परीक्षाएं होंगी? बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में ये बातें लिखी हैं कि क्या उसके लिए ऑल इंडिया लेवल पर आप परीक्षाएं लेंगे, फिर सर्टिफिकेट देंगे, फिर डिग्री देंगे और उसको सर्टिफाइड घोषित करेंगे कि इसमें कौन सा गुण है। अगर किसी में दो या तीन या चारों गुण होंगे तो उसको किस तरह की सर्टिफिकेशन होगा, और आप जातियों को किस तरह से बांट सकते हैं, समाज का विकास कैसे होगा, हमें जातियों को खत्म करना है। बाबा साहब ये कहते थे, गांधी को उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि भाई वर्ण व्यवस्था लागू हो, जिसको जो धर्म मिला है वो उसका पालन करे। तो बाबा साहब ने यहाँ पर गांधी को घेरा और उन्होंने कहा आप तो बनिया जाति से आते हैं साहब, आप जो हैं वो बनिया जाति से आते हैं और आपका काम जो है वो चतुर वर्ण के हिसाब से वैश्य समुदाय में आप जब आते हैं तो आपका काम व्यापार करना है, आपका काम बैरिस्ट्री करना तो नहीं है, वकालत करना तो नहीं है। तो आपने वकालत की पढ़ाई क्यों किया, वकील क्यों बने, बैरिस्टर क्यों बने, ये तो आपने धर्मद्रोही आप काम किया है, धर्म के खिलाफ जाकर काम किया है। आप बनिया समुदाय से आते हैं, आपका काम पूजा पाठ करना नहीं है, आपका काम आध्यात्मिक धार्मिक काम करना नहीं है, तो फिर हे राम का सत्संग क्यों करते हैं? बार बार आप जो ये हे राम और जो ये हिंदू संस्कृति के ये पूजा पाठ ये काम करते हैं, ये क्यों करते हैं? ये तो ब्राह्मण धर्म का वर्ग का काम है। तो आपने यहाँ पर भी धर्मद्रोही काम किया है, आपने धर्म के खिलाफ जाकर काम किया है। तो आप जो बात कह रहे हैं कि धर्म के हिसाब से चतुर्वर्ण के हिसाब से आपको अपने काम का पालन करना चाहिए, तो आपने खुद क्यों नहीं किया? बाबा साहब ने गांधी से ये सवाल किया कि आपने खुद ये बात को एप्लीकेबल क्यों नहीं किया, खुद के आचरण में क्यों नहीं लेके आए? तो आपकी करनी और कथनी में बहुत ज़्यादा फर्क है। और बाबा साहब ने इन्हीं बातों पर घेरा और ये कहा कि मैं गांधी को कभी महात्मा नहीं मानता, वो महात्मा नहीं है बल्कि एक शातिर राजनेता हैं। तो ये पूना पैक्ट में आज की कहानी मैंने आपको बताने की कोशिश की और आपको समझाया कि किस तरह से हमारे साथ बहुत बड़े लेवल पर जो है एक धोखाधड़ी का काम हुआ और उसको नाम दिया गया कि आज़ादी की लड़ाई और अहिंसावादी लड़ाई थी, और उसी की वजह से आज जो है आप देखेंगे कि जैसे मान्यवर साहब कांशीराम ने अपनी किताब चमचा युग में लिखा है कि अभी क्योंकि जो नेता होते हैं विधायक या सांसद होते हैं वो समाज के नेता या विधायक नहीं होते बल्कि पार्टी के वफादार नेता सांसद विधायक होते हैं, क्योंकि टिकट उनको पार्टी देती है, पार्टी विप जारी कर देती है, उसके खिलाफ जाएंगे तो सदस्यता चली जाएगी, आप पार्टी के खिलाफ बोल नहीं सकते, अगली बार आपको टिकट नहीं मिलेगा, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और इस वजह से जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रिजर्व सीटों से जो आते हैं वो फिर संसद में विधान पालिका में जो है वो हमारे हितों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा पाते, और चाहे कितनी नाइंसाफ़ी होती रहे वो नहीं बोल पाते क्योंकि वो पार्टी के गुलाम बन जाते हैं। चमचा जिन्हें मान्यवर साहब कहते हैं, आप देखिए 13 पॉइंट रोस्टर का मसला हो, अभी जो है कास्ट सेंसस का मसला हो, रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मसला हो, बैकलॉग का मसला हो, बहुत सारे पद खाली होने का मसला हो, या फिर SC ST के ऊपर एट्रोसिटीज़ का मसला हो, या फिर प्राइवेटाइजेशन के जरिए रिजर्वेशन को खत्म करने का मसला हो, इतनी सारी बातें हो रही हैं, लेकिन जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के वहां पर सांसद हैं संसद में वो कभी कोई उठ के बात नहीं करते हैं, वो बल्कि सरकार का ही पक्ष रख रहे होते हैं। जो सामाजिक कल्याण मंत्री बनते हैं वो हमारे ही लोग समाज के लोग होते हैं और वो सरकार का पक्ष रखते होते हैं, वो बताते हैं कि कैसे ये सरकार सही काम कर रही है, लेकिन वो कभी हमारे समाज के हितों की बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो पार्टी के गुलाम हैं, मान्यवर साहब की भाषा में चमचा है। अगर हमें सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार मिला होता, अगर हमें 2 वोट का अधिकार मिला होता और हमें अल्पसंख्यक समुदाय की तरह अलग से ट्रीटमेंट मिला होता, तो आज हमारे अपने लोग जो हैं वो विधान पालिका में होते और हमारे लोगों की स्थिति इतनी दुर्गम, इतनी विकट, इतनी खराब स्थिति नहीं होती जो आज है। तो ये सब हो रहा है गांधी की वजह से। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथियों, हमें आपकी ज़रूरत है, आप हमारी ताकत हैं, हमारी ताकत बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें। और हमें कुछ आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें, हमारी मेंबरशिप लें और हमें सहयोग दें ताकि हम इस तरह का काम जो है वो लगातार आपके साथ करते रहें। साथियों, मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रही है मेरी सहयोगी अजरा परवीन। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।